नाम से करो यार, क्या कर रहे तू, तो मेरी बम मरोड़ता पे। हमारे पास वैसे भी ब्रांडेड चीज होती है तो टोटल डिस्काउंट पे ही है। आपकी शादी है जी? अच्छा चले, कोई शक है? नहीं, शक नहीं है। बता दे कोई शक है तो। मेरे ख्याल से आप साड़ी वगैरह जाके खरीदते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहद मुस्तफा, बहना नहीं भाई कहें। भाई से बैठे एंकर है तो एंकर ही रहे। लड़की वालों ने बिल्कुल आपको पसंद कर लिया ना? पसंद किया तो नारकली आया हूं ना। सुनो ये क्या, ये चल रही है सर? ऐसे भी चूल्हे आते हैं? क्या गणे मोड़ी दुकानदारी है, धक्का दे के बाहर थोड़ी निकाल सकते। लसेरे वाले आ वे मान जवानियां। ये दूल्हा तो मुझे वेले करना गाना पे गाई जा रहे विवर दे। मुझे दूल्हा वेले इकट्ठे करना लग रहा है। नहीं वेले इकट्ठे करना ला, मेरे ब्याह ते देखी इन्ने पैसे, तेरे ब्याह ते भी नहीं किसी ने सुटे होंगे जिन्हें मेरे जाना ने सुटने नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अजान भट्ट और आप देख रहे हैं स्टूडियो 5। व्यूअर्स जैसा कि आपको पता है कि सीजन स्टार्ट हो गया है, और सीजन स्टार्ट होने का मतलब पता क्या, शादी का सीजन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अक्सर लोग सर्दियों में शादी करते हैं। आज हम अनारकली में मौजूद हैं, माफस प्लाजा के सामने मक्का दूल्हा हाउस। जैसा कि आप, आज हम यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि सीजन स्टार्ट हुआ है, आप दूल्हे को क्या अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आपसे आके अपनी शेरवानी और जो शादी का सामान है वो आपसे परचेज करे। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सर अल्लाह पाक की रहमत। सर सर्दी स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि आपको पता है 1 वीक तक या 2 वीक तक सर्दी स्टार्ट हो जानी है। तो जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं स्टूडियो 5 के, जो लोग दूल्हा बनना चाहते हैं, जिनको शादी की ख्वाहिश है, क्या उनको आप एफर्ट करेंगे, क्या उनको डिस्काउंट देंगे कि वो आपसे शेरवानी आगे खरीदें और अपनी शादी का इंजॉय करें? हमारे पास वैसे भी ब्रांडेड चीज़ होती है तो टोटल डिस्काउंट पे ही है। वो जो भी दूल्हा आएगा अल्लाह का शुक्र है, उसको बेहतर डिस्काउंट के साथ हम देंगे। डिस्काउंट में देंगे जी? हाँ। स्टफ आपका जो उसके ऊपर काम हुआ होता है या आप खुद करवाते हैं? आप हमारा अपना आर्टिकल बनता है, टोटल 1 to 2 हमारी शॉप की हर चीज़ हमारी अपनी है, वो बाज़ार की नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, चेंज भी होता है और वापसी भी होता है, वापस करके पैसे। आपका एड्रेस मैंने सही बोला था? जी आपने एड्रेस बिल्कुल ठीक बोला है। व्यूअर्स इनसे बात हुई है, इनके ओनर से, तो आए अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। ये जो है भाई खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि जी इनके पास कौन कौन सी क्वालिटी है स्टफ की और शेरवानी की, आए इनसे बात करते हैं। अच्छा छोटे भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जो शेरवानी है, जारी बात है सीजन तो स्टार्ट हो गया है, कैसे डिस्काउंट पर देंगे आप, और क्या उसमें आपने ऐसा कोई बेनिफिट रखा हुआ है कि लोग आपसे आके शेरवानी खरीदें अपनी शादी के लिए, क्या ऐसी चीज़ है? जो हमारी शेरवानी होगी वो मार्केट में नहीं होगी। ये क्या बात हुई कि मार्केट में नहीं? ब्रांडेड पीस है, लोकल पीस कोई भी नहीं होगा। अच्छा ब्रांडेड पीस होंगे? टोटल ब्रांडेड पीस होंगे। कितने साल पुरानी दुकान आपकी? हमें तकरीबन 10 साल हो गए हैं इधर बैठे, पहले हमारी पैनोरामा शॉप थी। अच्छा पैनोरामा शॉप थी, अब इधर 10 साल हो गए? इधर 10 साल। कैसे कैसे कस्टमर आते हैं आपके पास? कोई आपको पता है कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, किस तरह हर किस्म के आपके पास कस्टमर आते हैं? हमारे पास वैरायटी भी हर किस्म की है उनके लिए, नॉर्मल रेंज वाली भी है, हाई रेंज वाली भी है। आप कैसे जजमेंट करते हैं कि यार ये जरा नॉर्मल सा है दूल्हा, इसको ऐसे डील करना है, और ये थोड़ा सा अमीर है, इसको मैंने ऐसे डील करना है? इनसे पता चल जाता है, कस्टमर के डीलिंग से ही पता चल जाता है, जब उसने आके हमारे पास वैरायटी मांगनी है, ये चीज़ दिखानी है, जिसने ये नहीं लाइक करनी उसने अच्छी चीज़ लेनी है। वो पहले आकर क्या पूछते हैं, मुझे इस रेंज का दिखाओ या कोई स्टफल का दिखाओ? नहीं रेंज नहीं, ये तो हमारे सेलमैन ने जज करना होता ना, ये इतनी रेंज वाला ग्राहक है कि नहीं, वो आप जजमेंट कर लेते हैं? वो जजमेंट कर लेते हैं हम। सही। और मुख्तलिफ लोग आते हैं शॉप पे? वो हमारी शॉप पे तो मुख्तलिफ काफ़ी यानी कि आते हैं कस्टमर। ये क्या? ये साइज किसका लेना है? साइज मेरा, तने पे तो मेरी शादी है जी। चंगा जहा डिजाइन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? शादी आपकी? जी मेरी शादी है, क्यों कोई शक है? नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, तो क्या लेने आए हैं? शेरवानी लेनी है मैंने, कुल्ला लेना है, खुस्सा लेना है, क्या करूँ शादी में दिन थोड़े रह गए हैं। कितने दिन रह गए हैं? ये ना अक्टूबर 15-16-17 है अक्टूबर की। आपकी शादी है? जी। अच्छा चले, कोई शक है? नहीं शक नहीं है। बता दे कोई शक है तो। मेरे ख्याल से आप साड़ी वगैरह जाके खरीदते? नहीं साड़ी क्या, शेरवानी खरीदनी है, साड़ी वाला सिस्टम नहीं है ना, बस दाए है। कौन सी शेरवानी लेंगे आप? अच्छी सी दिखाओ ना कोई। व्यूअर्स कोई अच्छी सी दिखाओ, ये दिखाओ। व्यूअर्स दूल्हा आ ही गया इंटरव्यू करते करते, माशाल्लाह ये इसमें कलर हो रहा है, ये मेरून कलर, ये नहीं मुझे पसंद,
ये तो मुझे लगता है किसी जी नहीं चीटा नहीं, ये गोल्डन पसंद आया, बाकी इसमें प्यारे से कलर दिखाओ। ये आप मुझे ये बताएं, आपको लड़की उन्होंने पसंद कर ली? कर लिया उन्होंने, पसंद किया तो ये आप यहाँ तक आए हैं ना, जल्दी दिखाओ पीछे हटे, मुझे शेरवानी देख रहे, मुझे शादी है। व्यूअर्स ये देखिए, ये डाल के दिखाएंगे जरा शेरवानी। एक मिनट आराम से, क्या हुआ? आराम से नीचे से, और नीचे से ही होता है। हाँ चलो ये कैमरे से पीछे ले जरा, ए जरा। हां वाह कैसी लगी है मेरे पे यार, कितने क्यूट लग रहे हो आप। थैंक यू, नजर ना लगा देना। बहना आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहद मुस्तफा, बहना नहीं भाई कहें। भाई से बैठे एंकर है तो एंकर ही रहे। अच्छा अच्छा भाई, फहद भाई तो लड़की वालों ने बिल्कुल आपको पसंद कर लिया ना? पसंद किया तो नारकली आया हूं ना। आप मुझसे झगड़ क्यों रहे? नहीं झगड़ नहीं रहे, पसंद किया तो नारकली आए हैं ना। अच्छा ये क्या जी? ये शॉल है। शॉल? आप शॉल पहनेंगी? नहीं शॉल नहीं, वैसे लम्मा करके लगाएंगे, देखे वैसे व्हाइट कलर। ये तस्वीर लानी मेरी, इधर आनी चेला ऑन कर। नहीं कोई बात नहीं, आप अपना ये करें, हम आपको वीडियो दे देंगे। दो तीन है, एक दो तीन। तो आप यहाँ लाहौर में रहते हैं? जी मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं दिल्ली दरवाजे अंदर जो मशहूर है, शाही इमाम सामान की बैठक मशहूर, वहाँ पे रहते हैं। जरा मुझे आप शेरवानी देखने दे, बाद में आप ये सर पे लेना। हाँ ये सर क्यों, सर पे क्यों ले, पागल हैं हम। एक दो तीन, एक दो तीन है। खुसा पहन लो, खुसा पहने। वाओ वैसे आप क्या फील करें ये मर्दाना सूट पहन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी शादी आ रही है, वाओ। तो लड़का क्या काम करता है? ये आप मेरे से मुझे शेरवानी खरीदने दे, बाद में आपसे बात करूंगा, ठीक है? व्यूअर्स व्यूअर्स ये देखे दूल्हे, दूल्हा बनने की ख्वाहिश आई है। अच्छा ये ख्वाहिश नहीं, मेरी शादी है, आपको बताया नहीं, 16 को मेहंदी है, 17 को और 18 को। थोड़ा सा चल के दिखाएंगे। ये क्या है, ये माला? एक मिनट खोलो जी, मुझे माला पाके। ये तो मुझे मंगलसूत्र लग रहा है। ये आप छोड़े, आप इंडिया में खड़े हैं, नारकली में खड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे लग रही है। हाँ नजर ना, अभी मैंने खत नहीं कराया। डाका से कराएंगे? हाँ माशाल्लाह। ये क्या मेरे नाम ना लिखिया हो गया, भाई हाथ लान दे, सख्त सख्त हाथ लान दे। शेरवानी लैन आए हैं, तुझे तो गिची घोटन ला पे। ऐसे भी आते हैं? आए सर, सर ऐसे भी दूल्हे आते हैं? बस क्या करें, हमारी दुकानदारी है, धक्का दे के बाहर थोड़ी निकाल सकते हैं। अब डील करें, मुझे महंगा दिखाएं, आपने 20,000 वाला दिखाएं, अच्छी वाली दिखाएं मुझे। कितनी प्राइस हो जाए? मुझे जरा ज्यादा प्राइस होनी चाहिए। आपको पता है मेरी बारात किधर जानी है? पीसी होटल में। पीसी जी? पीसी में मेरी बारात जानी है। ठीक है चलिए जी। हाँ अल्लाह करे जी पीसी तब तक सही रहे। हाँ ये ब्लैक देखता हूँ ना, ये अभी नाम से करो यार, क्या कर रहे तू, तो मेरी बम मरोड़ता पे है। चलो माशाल्लाह, ये तो दूल्हा दूल्हा जी आई। आपका पेट काफी निकला है ना? हाँ बस वो मैं माशाल्लाह खाता बहुत हूँ। अपना क्या, किसी का अपना? तो फिर पेट इतना ज्यादा क्यों? अच्छा आप क्या चाहते हैं मेरे से? आप मेरी जान छोड़ने के कितने पैसे लेंगे? नहीं मैं देखे, मुझे इस तरह जिंदगी में पहली बार ऐसा दूल्हा मिला है, मिली है या मिला है? वे मेरी गाल सुन, वे मैंने शेरवानी पसंद करन दे, मेरा व्याह है। कुल्ला किधर है आपका? वो कुल्ला शरीफ लेके आते हैं। कितने क्यूट लग रही हो तुम। माशाल्लाह सेरे वाले आ वे मानु जवानियां। ये दूल्हा तो मुझे वेले का गाना पे गाई जा रहा है। व्यूअर ये मुझे दूल्हा वेले इकट्ठे करना लग रहा है। नहीं वेले इकट्ठे करने वाला, मेरे ब्याह ते देखी इन्हें पैसे, तेरे ब्याह ते भी नहीं किसी ने सुटे होंगे, जिन्हें मेरे यारा ने सुटने नहीं। हाँ जी पैसे होंगे और अद्धे पैसे ले ले वाल लवा ले। अच्छा ये हां ए मन कुछ बेहतर लगी है, टोटल सीक्वेंस भी शाल है सारा कट दा ना हद्दा काम होया शेर। एदा ओ जो ओ नहीं पाया गले जी जेड़ा पाया मंगलसूत्र, वो जो था मंगलसूत्र वो पाओ। अच्छा वो आप क्या डाके करेंगे, मसलन हार वगैरह? या मेरा दिल करता है क्या ये सारा कुछ पा के जाऊं ना, वो मेरी खुश हो जाए। कौन वो जहां पे जाना है यार मुझे अभी भी, लेकिन चले आपने कहा कि वो शादी के दिन पास पास है, तो क्या फीलिंग आती है मर्द वाला सूट डाल के? यार मैं लड़का हूँ तो मैं लड़कों वाले सूट डालने, और इधर मैं लहंगा पाना है। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये वो आपका जो भी है। अच्छा ये व्यूअर्स अब इनसे कैटवॉक करवाएंगे, दूल्हा जो कैटवॉक होती है। अच्छा समझ लें कि ये एक मिसाल पे मैं हूँ आपकी दुल्हन, तो आप कैसे चलेंगे मुझे? चले चले चले। अच्छा मेरी बात सुने, आए थोड़ा मेरे साथ वापस। हाँ चले, ये कौन सी बात है,
आपको क्या मसला है? मैं शेरवानी पसंद करने सर खाया हुआ आपने मेरा, इतनी दूर से मैं ये मक्का दूल्हा उस वालों का सुन के उनके पास आया हूँ कि इनके पास शेरवानी अच्छी होती है। आपने कहाँ से सुना ये मक्का दूल्हा उसका? ये मैंने डिफेंस में मेरा दोस्त है वो यहाँ से लेके गया है, वो दो भाइयों की कट्टी शादी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि मक्का दूल्हा उस पर जाओ, शेरवानी भी अच्छे, कुल्ला भी अच्छा और उनकी हर चीज़ अच्छी है। ये कहाँ इनकी दुकान वाकई है? इनकी दुकान नारकली, आप नारकली अंदर आएंगे महाफज प्लाजे के बिल्कुल सामने मक्का दूल्हा हाउस है। आप यहाँ पे आएँ, अच्छी शेरवानियाँ, अच्छे खुस्से और अच्छी ज्वेलरीज इनकी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। अच्छा, मैं अगर तुझे दो मिनट आपसे यहाँ बात कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, क्यों ना। ये मेरा दुपट्टा डिग पे, अबे इधर आवे, ऐसा टकाड़ वे, ये नीचे आ गया, आप थोड़ा पीछे हटे, ये आए इधर, इधर खड़े हो इधर। अच्छा मुझे ये बताएं, जी जी, कहीं ये तो नहीं कि आप ये सेट पहन के भाग? आपको मैंने बताया मेरी शादी है, मुझे तंग ना करें। तो मेरे पास हम बुलाएंगे हमारे, आपको बुला तो लूंगा, मगर जैसे मैंने तो बरात पे खामोश रहना, आप तो मेरा सर खा गए हो, मुझे तो जाके चार डिसिप्लिन खानी चाहिए। तो क्या लंगर पका रहे हैं शादी पे? शादी पे लंगर की मेरा खत्म नहीं होना, ब्याह होना है और की करन दे हो। मेरे ब्याह तो छोटा गोश्त, नान, बोतला, कुल्फा, सैलट, ब्रोस्ट, गुजरा का ब्याह है, कोई कंगलिया का ब्याह नहीं गा। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे सोड़िया का की कारोबार है पता तेनू? मेरे सोड़िया की इटा का अपना आड़त हैगी, उन्होंने ईंटे नहीं जो मकान बनते हैं उनका बिजनेस है। चले हाँ, साढ़े तो नहीं गए सदके जाऊँ आप। इधर आओ, कमिंग, ऐसे पैसे दस में किन्ने ने सोहनी लगी वैसे। ये पूछो तो पैसे कितने को? पैसे कितने? हमें बैठ जाओ। हाँ बैठ जाए, इधर आइए। तू ना थक गया? व्यूअर तू ना थक गया? तो आहो वे, ये बताइए कि जानता होता है दूल्हा था कि जानता होता है? ये बताइए ये कितने देंगे आप इनको? ये पूरा सेट जो इनको है ना, ये 45,000 रुपए का डिस्काउंट करके मिलेगा। 45? मेरे नाल कोई नहीं आया, तू फायदा चुकना पे है की दसदा पे? 45,000 तो खुस्सा, ये शेरवानी, कुल्ला डाल के 45,000। पाँच छो चीजें मेरा दुपट्टा सही कर वे, इसको पीछे करे जरा। हाँ अच्छा लग रहा है? नहीं जरा बाद में मैं बात करता, मेरे बाजार के मुझे पता है। अच्छा फील हुआ है? मुझे ये अच्छी लगी है। 45,000 में डन करें या नहीं? 45,000 नहीं दूंगा। आपने तो भी कहा था कि नहीं नहीं यार, 5,000 की ऐसी यतीम लेके, 5,000 से लेके जहाँ तक आपकी जेब इजाजत देता हूँ वहाँ तक पड़ी हुई है शेरवानी। ये कितने की है? ये 45,000 कह रहे हैं आप, बताएं कितने देंगे? मैं 30,000 दूंगा सारे सेट का। 30,000 व्यूअर्स हमारे स्टूडियो 5 के चैनल से, ये 30,000 रुपए की आज हमने डील करा दी है। हाँ। आइए दूल्हा लेके अंदर आए जी। व्यूअर्स ये दूल्हा जा रहे हैं। कैसी बात है, मुझे डिफेंस में किसी ने बताया था, मैं आया हूँ मक्का दूल्हा उसमें, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ओनर बैठे हुए इनके, ये ओनर, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डिफेंस से आपका सुन के आया हूँ कि मक्का दूल्हा उसमें जाए, शेरवानियाँ, इनके पूरा ड्रेस दूल्हे का बहुत अच्छा होता है। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की भी जैसे सरबाला बनाना हो उसकी भी शेरवानी मिल जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आके। ये मुझे आपके बेटे ने 45,000 बताया, जिसमें मैंने उसको कह दिया 30,000 में ओके है। अब देखो वो मुझे देता है कि नहीं देता, ये अंदर जाकर उससे बात। ये उनको ओनर है, ये बता देंगे। अगर मेरी बेटा 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 ये ओके कर दो। ओके हो गया, बाहर निकल, बाहर निकल जाओ। ये हमारे दूल्हा जी जो इस समय तैयार हुए हैं माशाल्लाह। आप बता, मैं इंटरव्यू लेना आपने? अब मैं कहूँगा आप, कहूँगा मेरी भाई घोड़ी खड़ी है। हाँ तो चले। हाँ जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आप कैसे जाएंगे? मेरी बाहर घोड़ी खड़ी है। कौन सी घोड़ी? ऐसी वाली। फिर ये तू लाभ पैसे दे दिए, वो कहता है मैं घर ऐसे जाऊँगा। कितने अरमान आप इधर?